हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव गुप्ता। आज हम बात करेंगे सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर के बारे में, और इसके बारे में आज मैं डिटेल में समझाऊंगा कि होता क्या है सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम आपको बता दें कि सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर होता क्या है। ठीक है, इस तरीके की मशीन होती है सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर। देख लीजिए, इस टाइप की मशीन होती है, ये होती है सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर। ठीक है, इसमें मेन जो फंक्शन होती है सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर में, सिंगल ये स्क्रू होती है। ठीक है, इसमें नाम ही लिखा है सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर। ठीक है, सिंगल स्क्रू होगा मतलब एक स्क्रू लगी होती है। ठीक है, देख सकते हैं ये स्क्रू है, इस स्क्रूड्राइवर के अंदर होती है और ये रोटेट होती है। ठीक है, और मटेरियल इस चैनल के थ्रू, ये चैनल है बनी हुई है, एक एक चैनल के थ्रू आगे की तरफ फॉरवर्ड होती रहती है। ठीक है, ये होती है स्क्रू। अब हम डिटेल में बात करें कि होता क्या है। ठीक है, ये होती है फीडिंग होती है, जिसको हॉपर कहते हैं। यहाँ से मटेरियल को फीड की जाती है और यहाँ पे मटेरियल फीड होके आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आता है ये डाई होती है। हमें जिस भी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जिस भी शेप का प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे हम उस शेप का डाई लगा देते हैं। ठीक है, उस शेप से प्रोडक्ट बाहर निकलती है। ठीक है, उसी शेप का निकलता है और वो प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये जो स्क्रू रोटेट होती है, एक पाइप जैसा शेप होता है। ठीक है, उसके अंदर ये स्क्रू रोटेट होती है। उस पाइप को हम साइंटिफिकली लैंग्वेज में बैरल कहते हैं। ठीक है, ये बैरल होती है, बैरल के अंदर स्क्रू रोटेट होता है। ठीक है, और उस बैरल के ऊपर हीटर लगे होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हीटर लगा हुआ है, जो कि बैरल को हीट करता है और वो हीट अंदर जो ग्रेनुलर होते हैं उसको मेल्ट करता है। और वो ग्रेनुलर्स मेल्ट होके आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं और इधर डाई के थ्रू निकल जाते हैं। बैरल में भी तीन जोन होते हैं, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन। ठीक है, फीड जोन के नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि फीड जोन का मतलब क्या होता है। वहां पे मटेरियल को फीड की जाती है। ठीक है, और मटेरियल जहां तक फीड जोन है वहां तक मटेरियल मेल्ट होती नहीं है, वो जैसे ग्रेनुलर्स के फॉर्म में रहती है वैसे ही ग्रेनुलर्स फॉर्म तक यहाँ तक रहती है। फिर उसके बाद ये आती है कंप्रेशन जोन, वहां पे मटेरियल आगे जाती है और कंप्रेस होती है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि उसमें अगर एयर टैप होती है ग्रेनल्स में या फिर मॉइस्चर होता है, तो उसको एयर टैप जो होती है तो एयर को यहाँ से फीड जोन के थ्रू निकल जाती है एयर, और जो मॉइस्चर होता है वो वेपराइज हो जाता है, वो भी एयर 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 बन जा बन के वो वेपराइज जो फॉर्म होती है वो फीड जोन के थ्रू निकल जाती है। ठीक है, और ये आगे की तरफ बढ़ जाती है मेल्टिंग जोन में, इसलिए उसको कंप्रेशन जोन कहते हैं, क्योंकि वो ग्रेनुलर्स को कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, और वो जो कंप्रेस ग्रेनुलर्स होती हैं वो आगे जाती है मेल्टिंग जोन में। कंप्रेशन जोन में भी कुछ ग्रेनुलर्स होती है जो मेल्ट हो जाती हैं, कुछ मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, वो आती है मेल्टिंग जोन, मेल्टिंग जोन में फुल्ली मेल्ट हो जाती है ग्रेनुलर्स। जो भी अगर ग्रेनुलर्स मेल्ट नहीं हुई है वो मेल्टिंग जोन में आके फुल्ली मेल्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे डाई के थ्रू बाहर आ जाती है मटेरियल। ठीक है, आई होप कि आपको ये सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर समझ में आ गया हो कि होता क्या है। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल मैं बताऊंगा स्लाइड में। ओके, आप ये देख सकते हैं कि इसका पूरा ओवरव्यू है सिंगल स्क्रू स्क्रूड्राइवर का। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही चीज को मैं डिफाइन करूंगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम पहले ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए हॉपर लगी होती है। ठीक है, और ये कूलिंग सिस्टम हीटिंग सिस्टम होती है, बैरल के ऊपर ये बैरल होती है। ठीक है, उसके ऊपर ये कूलिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम लगी होती हैं। ये अंदर जो होती है ब्लैक ब्लैक का पट्टी जो दिख रहा है आपको, ये स्क्रू होती है जो कि अंदर बैरल के अंदर रोटेट होती है। ठीक है, और स्क्रू के जस्ट पास ही स्क्रीन होती है। ठीक है, जो फिल्टर का काम करती है बेसिकली,
उसके आगे फिर ब्रेकर प्लेट होती है, और फिर उसके आगे प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगी होती है, फिर उसके बाद डाई लगी होती है। और यहाँ पे जो स्क्रीन और ब्रेकर प्लेट को कंबाइन करके रखती है वो गेट असेंबल होती है। और यहाँ पे सपोर्ट मिला है क्योंकि मशीन को स्टैंड करने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर ये मोटर होती है, मोटर से जो गियर बॉक्स होती हैं वो होती जुड़ी होती हैं, और वो ट्रांसमिशन से जुड़ी होती हैं। फिर ट्रांसमिशन जो होती है वो स्क्रू से जुड़ा हुआ होता है, और स्क्रू थ्रस्ट बेयरिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगा होता है, यहीं पे हम डाटा को फीड करते हैं, उसी हिसाब से इधर सारे वर्क होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं कि होता क्या है सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हॉपर क्या होती है, ठीक है। हॉपर में क्या होता है, ग्रेनुलस होती हैं, पॉलीमर ग्रेनुलस, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होंगी, यहाँ पे ग्रेनुलस को फीड करेंगे और यहाँ पे आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया पिछले स्लाइड में कि यहाँ पे फीड जोन होती है, यहाँ तक मान लीजिए फीड जोन होती है, फिर इसके आगे कंप्रेशन जोन होती है यहाँ तक, उसके बाद फिर मेटरिंग जोन होती है, ठीक है। यहाँ पे हॉपर में मटेरियल को फीड किया जा रहा है, और ये जो फीडिंग मटेरियल होती है और ये स्क्रू जो होती है ये रोटेट होती है। ये किसके थ्रू रोटेट होती है, ये यहाँ पे मोटर लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पे गियर बॉक्स होती है, मोटर यहाँ पे चल रही होती है, तो गियर बॉक्स में जो भी हम स्पीड दे दें इसको स्क्रू को, वो स्पीड इसको ट्रांसफर करती है ट्रांसमिशन के थ्रू, और ये रोटेट होती है, और जितनी स्पीड हमने दिया है उतना ही स्पीड में रोटेट होती है, और इसको कंट्रोल करती है थ्रस्ट बेयरिंग, जो कि थ्रस्ट बेयरिंग का वर्क होता है स्मूथली रोटेट करना इसको, ठीक है, स्क्रू को स्मूथली रोटेट करना। बेयरिंग का वर्क आपको समझ में आता है कि बेयरिंग इसलिए होती है, हर चीज में बेयरिंग का यूज होती है, जैसे कि कोई भी चीज रोटेट करानी हो तो वहां पे बेयरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई गाड़ी का चक्का हो, ठीक है, तो उसको गाड़ी के पहिए को अगर स्मूथली रोटेट करानी है तो वहां पे बेयरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। वो स्मूथली रोटेट करती है, वो बेयरिंग से ही रोटेट करती है, ठीक है। हमारे इसको जो स्क्रू होती है इस पे इफेक्ट नहीं पड़ती है बेयरिंग की वजह से, ठीक है, स्मूथली स्क्रू रोटेट होती है बेयरिंग की वजह से, ठीक है। और ये सारे जो रोटेशन होती है और जो हीटिंग और कूलिंग सिस्टम होती है बेसिकली यहीं से कंट्रोल करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल पैनल होते हैं, ठीक है, यहीं से सारा चीज हम देते हैं, मोटर का स्पीड देते हैं, प्रेशर जो भी कंट्रोल करना आता है उस प्रेशर इसमें प्रोवाइड कराते हैं, स्क्रू की स्पीड को और टेम्परेचर को, जो भी यहाँ पे सारी चीजें हैं, टेम्परेचर को, कूलिंग सिस्टम, हर चीज यहीं से कंट्रोल पैनल से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब ये स्क्रू रोटेट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले ही ये जो बैरल है, बैरल के ऊपर हीटिंग सिस्टम लगा रखा है, ठीक और कूलिंग सिस्टम लगा रखा। क्यों लगा रखा, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये एक एक चीज पहले कैसे क्या हो रही है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता दूंगा क्या होती है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ से फिट किया मटेरियल, इस मटेरियल ग्रेनुलर के फॉर्म में ही आगे बढ़ रहा है, फिर कंप्रेशन जोन आता है यहाँ पे, ठीक है। इस कंप्रेशन जोन में क्या होती है कि मटेरियल कंप्रेस होती है, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया, ठीक है। ये जो कंप्रेशन जोन होती है बेसिकली वहां पे जो एयर टैप्ड मटेरियल होते हैं, जो मॉइस्चराइज मटेरियल होते हैं, ठीक है, वहां पे एयर टैप जो एयर होती है वो और जो मॉइस्चर होती है वो यहाँ से फीड जोन के थ्रू बैक, यहीं से बैक हो जाती है और फीड जोन के थ्रू निकल जाती है। मतलब क्या होता है कि अगर दोनों निकल गई तो कंप्रेस हो गया, ठीक है, फाइनली जो ग्रेनुलस होती है वो कंप्रेस होती है इस जोन में, और कुछ कुछ मेल्ट होने लगती है कंप्रेशन जोन में, ठीक है। फिर वही ग्रेनुलस आगे जाती है, ठीक है, मेल्टिंग जोन में, मेल्टिंग जोन में आती है तो फुल्ली मेल्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर होती है बैरल की वो ज़्यादा होती है। फिर जोन में बैरल की टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, और कंप्रेशन जोन में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, मटेरियल थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। फिर मेल्टेड मटेरियल मेल्टिंग जोन में जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होती है, बैरल की टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं, इस वजह से अगर कुछ जो मटेरियल मेल्ट नहीं हुए रहती है वो फुल्ली मेल्ट हो जाती है यहाँ पे। अब हम बात करें, अब ये तो हीटिंग सिस्टम हो गई कि हीट देते हैं तो ये मटेरियल मेल्ट होती है, कूलिंग सिस्टम क्यों लगाते हैं,
ये आपके अंदर क्वेश्चन आ रही होगी कि जब हीट हम दे रहे हैं तो कूल क्यों करेंगे सिस्टम को, ठीक है। कूलिंग इसलिए करते हैं कि जैसे ये जब रोटेट होती है, ठीक है, स्क्रू, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हीट दे रखा है, तो रोटेट होती है तो कुछ तो जो फ्रिक्शन जनरेट होती है मटेरियल और स्क्रू के बीच में, जो मटेरियल हमने फीड किया है, तो इसके स्क्रू और मटेरियल, जब मटेरियल के साथ, जब स्क्रू के साथ मटेरियल भी रोटेट हो रहा है, तो दोनों के अंदर फ्रिक्शन जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि कुछ हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हीट एनर्जी तो इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन जनरेट होगी, थोड़ा थोड़ा तो हीट रिलीज होगा। अब हीट रिलीज होती है तो जिसकी वजह से क्या होती है, मटेरियल में ऑलरेडी कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ऑलरेडी हमने टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, तो और यहाँ से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है हीट एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो अब फिर अगर यहाँ से हो रहा है और ये ऊपर से हीट हम दे रखे हैं, ठीक है, तो अब हीट ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो हीट ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, मटेरियल डिग्रेड होने लगेगा अंदर, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कि टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। और ये बैरल के अंदर कूलिंग सिस्टम रहती है जो रूम टेम्परेचर पे ही होती है, तो ये क्या होती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। फिर ये जो मटेरियल्स होती है वो यहाँ पे मेल्ट हो गई, यहाँ से फिर आगे जाती है, तो यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, ये सारे मोस्टली एक्सट्रूडर में स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन क्या होती है कि इसमें एक फिल्टर का काम करता है, ठीक है, ये फिल्टर ही होता है, वो क्या करता है, जो मान लो कुछ मटेरियल ऐसे हुए होते हैं जो मेल्ट नहीं हो पाते, मेल्टिंग जोन में भी मेल्ट नहीं हो पाए, ठीक है, तो वो यहाँ पे रुक जाता है स्क्रीन के पास, क्योंकि उसमें फिल्टर होती है, तो बहुत पतले पतले होल होते हैं, ठीक है, तो उसी मटेरियल को जाने देता है स्क्रीन जो कि पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, ठीक है, तो स्क्रीन के थ्रू वो मटेरियल चली जाएगी जो फुल्ली मेल्ट हो गया, जो नहीं मेल्ट होगी वो यहीं पर रुक जाएगी, तो कुछ टाइम के बाद वो भी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि रुकी है तो टेम्परेचर यहाँ पे दिया ही गया है, तो कुछ टाइम के बाद वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, वो भी फिर मेल्ट होके आगे बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ये ब्रेकर प्लेट क्यों लगाते हैं, अब ये समझ रहे हैं कि अगर स्क्रीन, तो आपको समझ में आ गया कि स्क्रीन क्यों लगाते हैं, ठीक है, बट ब्रेकर प्लेट क्यों लगाते हैं, ये बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ब्रेकर प्लेट की क्या जरूरत है, अगर स्क्रीन लग गई तो ब्रेकर प्लेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेन काम तो स्क्रीन का है, वो तो क्या करता है कि यहाँ पे जो मटेरियल मोल्टेन मटेरियल होती है उसको आगे बढ़ा देता है, जो नहीं मोल्ट हुआ है, मेल्ट नहीं हुआ है, उसको रोक लेता है, ठीक है, तो उसकी फिर आगे की जरूरत हमें कुछ है ही नहीं, बट ब्रेकर प्लेट का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जैसे स्क्रीन का यूज होता है वैसे ब्रेकर प्लेट का भी बहुत यूज होता है। सबसे पहली बात, जो ब्रेकर प्लेट होती है वो स्क्रीन को रोक के रखता है, ठीक है, स्क्रीन आगे पीछे ना बढ़ पाए, अगर मान लो कि ब्रेकर प्लेट नहीं रहती तो ये इतनी ज्यादा प्रेशर से स्क्रू रोटरी जो होती है, इतनी प्रेशर से मोल्टेन मटेरियल को वो करता है, पुश करता है, स्क्रीन पैक इतनी हल्की होती है, जो फिल्टर होती है आप देखते हैं कितनी हल्की होती है, ठीक है, तो ये तो आगे बढ़ जाएगी और टूट जाएगी ये, तो इसको सपोर्ट करता है ब्रेकर प्लेट, बेसिकली क्या होता है, स्क्रीन को सपोर्ट करता है, और इसमें एक ब्रेकर प्लेट में एक लीनियर टाइप के होल होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोटेट ये जो मोल्टेन मटेरियल, क्योंकि स्क्रू की तरह वो भी रोटेट होगा, ठीक है, मोल्टेन मटेरियल भी रोटेट होके ही आएगा फिर, क्योंकि ये स्क्रू रोटेट हो रही है, तो मोल्टेन मटेरियल भी तो ऐसे रोटेट होते होते आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो टर्बुलेंस पैदा करेगा, मतलब एक अच्छा शेप नहीं बनेगा आगे जाके डाई में, तो ये क्या करती है कि लीनियर उस मोल्टेन मटेरियल को एक लीनियर फॉर्म में फ्लो कराता है ब्रेकर प्लेट, दूसरा काम हो गया, ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन को सपोर्ट करता है, दूसरा लीनियरली फ्लो कराता है, इसके आगे जब मटेरियल पुली जब यहाँ रुक जाती है मटेरियल, जो आगे इसके फ्लो होता है मोल्टेन मटेरियल वो लीनियरली फ्लो होता है आगे, ठीक है, और एक फिर उसके बाद ये डाई में जाता है। ये प्रेशर कंट्रोल क्यों करते हैं, ठीक है, ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व में ही लगाते हैं, कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि डाई पे कितनी प्रेशर बढ़ रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो यहाँ से पता चलता है, अगर कम हो रही है, ठीक है, प्रेशर बहुत कम हो रही है, तो मतलब जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गई है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा हाईली मेल्ट हो गई है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर बहुत कम शो कर रहा है। अगर ज़्यादा प्रेशर बीच में शो करेगा, मतलब मटेरियल्स फुल्ली मेल्ट नहीं हो पा रही है, ठीक
ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही फोर्स से फ्लो हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब फ्रिक्शन जो मटेरियल होती है, अगर बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होगी उसकी फ्रिक्शन बहुत कम होती है, और जो जेल होती है उसकी फ्रिक्शन देखो, उसको फ्लो कराओ वो फ्लो होगा ही नहीं, वो किसी किसी पाइप के थ्रू फ्लो कराओ वो जल्दी फ्लो होगा नहीं। जैसे कि एक फुली लिक्विड जो होती मटेरियल उसको पाइप के थ्रू फ्लो कराओ, और जो जेल के फॉर्म में होती जो मटेरियल उसको पाइप के थ्रू फ्लो कराओ, देखो दोनों में बहुत ही अंतर आपको दिखेगी। ठीक है, जो जेल के फॉर्म में होगी वो उसकी जो जो फ्लो होगी वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करेगी, वो इजीली फ्लो नहीं होगी। तो उसी तरीके से इसमें भी वही सेम वर्क है। अगर मान लो कि जेल के फॉर्म में आ रही है यहाँ पे मटेरियल, मेल्ट हो गई है बट फुल्ली मेल्ट नहीं हुई है, ठीक है, वो जेल के फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा दिखाएगा और यहाँ पे जल्दी आउटपुट मतलब आएगा, ठीक है, बहुत फोर्स से यहाँ से आएगा इसलिए प्रेशर ज़्यादा दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि मटेरियल फुल्ली मेल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक गेट असेंबली होती है जो कि ये जो ब्रेकर प्लेट है और स्क्रीन है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए रखा जाता है यहाँ पे। अगर ये गेट असेंबली ना रहे तो ये भी बाहर चला जाएगा, इतनी ज़्यादा ये प्रेशर से मटेरियल यहाँ पे जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको असेंबल करने के लिए एक गेट असेंबल लगाते हैं। ठीक है, और ये सपोर्ट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि स्क्रू को करने के लिए जरूरत होती है, यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा स्क्रू को, जो एक्सट्रूडर होगी उसको फिक्स कर दिया जाएगा, एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा मेन जो काम है स्क्रू एक्सट्रूडर का वो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया इंस्ट्रूमेंटल पैनल जो होती है, इंस्ट्रूमेंट पैनल वो किस लिए होती है। ठीक है, आई थिंक आपको सिंगल एक्सट्रूडर अच्छे समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिखाया इसमें कि ये जो बैरल होती है, ठीक है, इसमें स्क्रू है जो रोटेट हो रही है, तो स्क्रू में भी आप देख सकते हैं कि इसमें ये होती है फ्लाइट, जो ऊपर की तरफ उठी हुई चीज़ है वो फ्लाइट होती है, ये जो होती है अंदर वो चैनल डेप्थ होती है, दो फ्लाइट के बीच में जो गैप होती है उसको चैनल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, और पिच बोलते हैं जो एक फ्लाइट का जो एंड होती है और एक फ्लाइट का जो स्टार्ट पॉइंट होती है, उन दोनों के बीच के गैप को पिच बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो फ्लाइट की ये जो होती है, जितने दूर फ्लाइट है ठीक है उसकी थिकनेस को फ्लाइट थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लाइट और ये जो बेस स्क्रू का जो डायमीटर होती है उसके बीच की जो गैप होती है वो चैनल डेप्थ होती है। ठीक है, और फ्लाइट और बैरल के बीच में जो गैप होती है उसको तो क्लियरेंस बोलते हैं, बहुत बहुत कम गैप होती है दोनों के बीच में, ठीक है, उसको क्लियरेंस बोलते हैं। और ये जो ये फ्लाइट इस फ्लाइट के एंड से इस फ्लाइट के एंड में जो डिस्टेंस होती है उसको स्क्रू डायमीटर कहते हैं, और अंदर की जैसे ये होती है, ये अंदर वाली जो होती है फ्लाइट के जो जहाँ पे फ्लाइट की स्टार्ट हो रही है, इस फ्लाइट की स्टार्ट और इस फ्लाइट की स्टार्ट को हम जो रूट डायमीटर कहते हैं, स्क्रू की रूट डायमीटर। ठीक है, और ये किस एंगल पे ये फ्लाइट जो होती है एंगल पे झुकी होती है उसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज मैंने डिटेल में बता दी है, अंदर जो स्क्रू होती है उसकी साइज कैसी होती है और उसमें क्या-क्या चीज होती हैं। आपको नहीं समझ में आ गया तो इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या-क्या होती है। ठीक है, आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया हो कि सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर क्या होती है। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई हो या फिर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, मैं डिटेल में उसको एलेबरेट करूंगा, फिर से नया वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें प्लीज। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम लिख के कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू।